मामा टीवी। गरीब का मिट्टी का ऑटो खिलौना। कानपुर नाम के एक गांव में श्रवण और भुवन करके दो आदमी रहा करते थे। श्रवण बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा सा मकान, गाड़ियां, नौकर और चाकर थे। श्रवण उसके बेटे राहुल के साथ उस हवेली में रहता था, लेकिन भुवन एक गरीब ऑटो चलाने वाला था। भुवन उसका बेटा मुकेश के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन भुवन ठीक श्रवण के घर के बाजू में ही एक छोटा सा जमीन खरीद लेता है। इसके लिए भुवन उसके सारे जिंदगी का कमाई लगा देता है। तभी श्रवण उसे बुलाकर ऐसा बोला, क्यों भुवन भाई, तुम्हें मेरे घर के बगल में घर चाहिए क्या? तुमने उसे क्यों खरीदा? मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हारे जैसे वालों को कहीं दूर जाकर रहना चाहिए। श्रवण सेठ, तुम ऐसे बातें मत करो। मैं जिंदगी भर जो कुछ भी कमाया है मैं इस जमीन पे डाल दिया है। अब मैं इधर ही मेरा खुद का एक झोपड़ी बनाऊंगा। ऐसा भुवन ने श्रवण के बड़े घर के बाजू में उसका झोपड़ी बनाता है। देखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब भी श्रवण अपने घर से बाहर देखता था तो भुवन का झोपड़ी देखने के लिए गंदी दिख रही थी। गांव के सभी लोग श्रवण को देखकर हंसने लगे। श्रवण का अमीर दोस्त भी उसके घर आना बंद कर देते हैं। इसीलिए उसके बारे में श्रवण कुछ करना चाहा। ये भुवन तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसको तो मुझे किसी भी तरह इधर से भगाना है। ऐसा सोचकर श्रवण एक रात को चुपके से अपने कॉम्पाउंड वॉल के पास आता है और वहां से पेट्रोल डालकर भुवन के ऑटो को जला देता है। जब सुबह उठकर देखा तो उसका ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। ये देखकर वह बहुत रोने लगता है। दुखी होकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। जब सारी बात पुलिस को बताया, अरे भुवन भाई, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर हम बड़े घरों के पास रहेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर तुम शांति से जीना चाहते हो उधर से तुम कहीं और चले जाओ। तभी भुवन को पता चल जाता है कि इसके पीछे श्रवण था और पुलिस भी उसके ही तरफ था। तभी घर आकर सोचने लगता है। उसी वक्त उसका बेटा मुकेश एक छोटा सा मिट्टी का ऑटो खिलौना बनाकर खेलते हुए देखता है। तभी उसने सोचा, अभी मेरे पास नया ऑटो खरीदने के लिए इतना पैसे तो नहीं है, क्यों न मैं मेरे बेटे की तरह मिट्टी से एक बड़ा मजबूत ऑटो बनाकर घुमाऊं। उस तरह भुवन रात ही रात एक बड़ा मिट्टी का ऑटो बना देता है और नए ऑटो की तरह पेंट भी डाल देता है। सुबह जब श्रवण अपने हवेली से देखा तो झोपड़ी के पास एक नया ऑटो था और हैरान हो जाता है। उसके बाद भुवन ठान लेता है कि वह कहीं नहीं जाएगा और आराम से मिट्टी के ऑटो को घुमाकर पैसा कमाने लगा। इस तरह श्रवण को मिला बुद्धि। जादू पैसा घर, पैसों का पेड़। एक गांव में नकुल और सहदेव करके दो अच्छे दोस्त रहते थे। उन दोनों के घर आजू बाजू में थे। वह दोनों एक साथ मिलकर एक मालिक के यहाँ खेत में काम करते थे। उन दोनों में से नकुल थोड़ा नाटकबाज था। वह काम कुछ नहीं करता था, सारा काम सहदेव पर छोड़कर जाकर आराम से पेड़ के नीचे सो जाता था। लेकिन शाम को जब पैसे देने का वक्त आता था तभी नकुल नाटक करता था और ऐसा बोलता था, मालिक देखा कितना काम किया है हम दोनों मिलके। लेकिन सहदेव कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वह दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सब जानकर सहदेव की बीबी उससे ऐसी बोली, अरे ओ पति परमेश्वर, तुम क्यों उस नकुल के साथ काम करते हो? वह तुम्हें लूट रहा है, तुम खुद ही काम क्यों नहीं करते? अरे मेरी प्यारी शीला, वह नाटक जरूर करता है लेकिन वह मेरा बचपन से अच्छा दोस्त है और उसे मदद करना मुझे अच्छा लगता है। छोड़ दो उसको, वह कभी ना कभी सुधर जाएगा। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन वह दोनों काम खत्म करके जंगल के रास्ते से जा रहे थे। इतने में एक स्वामी जी को पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए देखते हैं। अचानक वहां पर एक सांप उस स्वामी जी के तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी सहदेव ने बोला, अरे यार, उस सांप को पकड़कर स्वामी जी को बचाना है। अरे यार, तुमको क्या पड़ी है, बेकार की बातें छोड़ो और अपना काम करो, चलो। लेकिन सहदेव उसके बातों को सुने बिना उस सांप को पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है। इतने में स्वामी जी आंख खोलकर देखते हैं। स्वामी जी, हम दोनों मिलकर आपको उस सांप से बचाया है। तभी स्वामी जी अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और ऐसे बोलते हैं, आप दोनों को मेरी धन्यवाद, मैं आपको एक एक वरदान देना चाहता हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। अरे वरदान क्या है, बोलिए बोलिए स्वामी जी। आपको पैसों का घर चाहिए या पैसे देने वाला पेड़, ठीक से सोच कर बताना, आप सिर्फ एक ही पूछ सकते हैं। अरे इसमें सोचने की क्या है स्वामी जी, मुझे पैसों का घर ही चाहिए जिसमें दरवाजे खिड़की छत सारा पैसों का बना हो। ऐसा बोलते ही नकुल का घर पैसों के घर जैसा बदल जाता है और सहदेव के घर के सामने एक जादुई पैसे देने वाला पेड़ लग जाता है। नकुल अपना पैसा निकालकर अय्याशी करने लगा और उसकी पत्नी सारे जेवर सोना खरीदने में लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सहदेव उसकी पेड़ से आए हुए पैसों से दूसरों को मदद करने लगता है। एक रात को कुछ चोर आकर नकुल और उसकी बीवी को एक पेड़ से बांधकर उसका घर पूरा तोड़कर सारा पैसा चोरी करके लेके जाते हैं। अगली दिन सुबह नकुल रो रहा था। अरे यार, मैं बर्बाद हो गया रे, मेरे सारा पैसा चोरी हो गया रे। यार तुम दुखी मत हो, मेरे पास पैसों का पेड़ है, मैं उसमें से तुमको कुछ पैसे दूंगा, तुम भी आज से सबको मदद करके अच्छे इंसान की तरह जीना। उसके बाद नकुल भी सहदेव के पेड़ के पैसों से एक घर बना देता है और सबको मदद करते हुए अच्छे से जीने लगता है। पानी का गोल्डन हैंडपंप। सुरेंद्र एक बहुत ही ईमानदार किसान था। उसका कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह एक सेठ के जमीन पर खेती करके अपना घर चला रहा था। उस खेत में एक वाटर पंप थी जिससे वह पूरे खेत को पानी देता था। उस साल धूप बहुत होने लगी जिससे उस गांव में सारे तालाब नदी और झील सूखे पड़ गए। एक दिन जब वह पानी लगा रहा था, अचानक पानी के पंप से पानी आना बंद हो गया। तभी सुरेंद्र घर जाकर ये बात अपनी बीवी से बताया। अरे सीता, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, हमारे खेत में पानी का पंप खराब हो चुका है, पता नहीं अब मैं क्या करूं। घबराइए मत जी, हम एक काम करेंगे, हम अपनी कुएं से पानी निकालकर खेत में डालेंगे, ऐसा हम अपने खेत को बचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक खेत के सेठ जी आकर सुरेंद्र से ऐसा बोले, हो सुरेंद्र, अब काम बंद कर लो, मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर एक कंपनी लगाना चाहती है, मैं उसे ये जमीन बेचना चाहता हूँ, अब तुमको खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र दुखी होकर घर चला गया। सीता, हमारे सेठ जमीन को बेच रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कल से कुछ काम भी नहीं और पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता मत करो जी, इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से और धूप ज्यादा होने के कारण उसके घर के सामने के कुएं में भी पानी कम होने लगी। एक दिन जब सीता और सुरेंद्र पानी निकाल रहे थे, दो घड़े भरने के बाद कुएं से पानी आना बंद हो गया। तभी अचानक एक जादुई गाय वहां पर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सीता लगता है ये पानी के लिए पूछ रही है, जाओ
एक घड़े में पानी उसके सामने रख दो। जब गाय के सामने पानी रखा तभी वह पूरा पानी पी लिया और ज्यादा पानी के लिए फिर से पूछने लगी। ऐसा वह दूसरे घड़े के पानी को भी पी ली और अचानक गायब हो गई। सुरेंद्र और सीता ये देखकर दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते जहाँ पर गाय खड़ी थी वहाँ पर एक जादुई गोल्डन पानी का हैंडपंप प्रत्यक्ष हो जाता है। जब सुरेंद्र उस हैंडपंप को चलाया तभी उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के आने लगे। तभी सुरेंद्र ने बोला, हे भगवान, मैं सोने के साथ क्या करूं? मुझे इसमें से पानी दिलवा दो। तुरंत हैंडपंप से सोने के सिक्के की जगह पानी आना शुरू हो गया। तभी सुरेंद्र ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत बड़ा जमीन खरीदा और उस जादुई हैंडपंप के पानी से खेत में पानी डालकर आराम से खेती करने लगा।